दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लायक नहीं है पाकिस्तान के स्टेडियम। दोस्तों पीसीबी के जो बॉस है ना, उन्होंने ही अपने ही स्टेडियम की पॉलिसी खोल दी है। अगले साल जहां फरवरी मार्च में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करनी है, जिसको लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। जो टीम इंडिया खेलने या ना खेलने पर भी सवाल है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, और इसकी भी संभावना है कि टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पे यूएई में हो सकता है। फिर भी पाकिस्तान तो इसकी तैयारी में फिर से लगा ही हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुखिया ने ही अपने देश के क्रिकेट स्टेडियमों की ना पॉलिसी खोल दी है और कहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के बिल्कुल भी लायक ही नहीं है। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में लाहौर और कराची जैसे सबसे पॉपुलर और सबसे प्रमुख स्टेडियम में इन दिनों काम चल रहा है, तो पीसीबी इन्हें टूर्नामेंट से पहले तैयार करने में जुटी है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी स्टेडियमों की खस्ता हालत है, जिसको लेकर पहले भी कई बार फैन और मीडिया सवाल उठाती रही है, और अब खुद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ की हालत खराब है। 1980 के दशक के पाक स्टेडियम लाहौर के गद्दावी स्टेडियम में चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे मोहसिन लकवी ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए खुलकर अपनी निराशा जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियमों की हालत अभी भी 1980 के दशक की है, और अगर किसी को उस दौर में ही जीना है तो स्टेडियम सही लगेगा, लेकिन आज के दौर के हिसाब से वह कई नहीं टिकते। उन्होंने स्टेडियमों में अच्छी सीटों, टॉयलेट और अन्य सुविधाओं की कमी का जिक्र किया और कहा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े आधुनिक स्टेडियमों के सामने पाकिस्तानी स्टेडियम नहीं टिकते। नकवी ने जोर देते हुए कहा है कि इसीलिए कई स्टेडियमों के बड़े हिस्सों को फिर से बनाया जा रहा है ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो तैयार रहे। दोस्तों हालांकि स्टेडियम में निर्माण कार्य के कारण पाकिस्तान को अजियत सी हो रही है और बहुत सारा झेलना पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज है, जिसका आगाज 21 अगस्त से होना है। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पहले तो पीसीबी ने इस मैच के लिए दर्शकों को एंट्री देने का फैसला किया था, लेकिन फिर निर्माण कार्य का हवाला देते हुए दर्शकों की एंट्री बैन करते हुए इसे बिना दर्शकों के ही करने का ऐलान किया था। अब खिलाड़ियों और मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड ने मैच को कराची से शिफ्ट करने का भी ऐलान कर दिया है। यह मैच अब रावलपिंडी में ही खेला जाएगा, जहाँ पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जब से मिली है ना मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी को, तो उससे तब से ना पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान मेजबानी सही से तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास ना भी देखो उनके स्टेडियम में भी बुरी हालत है। वो स्टेडियम में उनके जो फ्लड लाइट्स है वो भी किराए पे लगा रहे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर भारत नहीं आता, लेकिन एक उनको फ़ायदा यही मिलेगा भारत के नहीं आने से कि उनको पैसा ज़रूर मिलेगा और ICC उनको अच्छा खासा पैसा दे दिया है उनको। और भारत अगर नहीं भी आएगा ना, अगर नहीं आएगा तो ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से ना पाकिस्तान तो ना आने से ज़्यादा खुश है, हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। ये तो 110% है कि भारत तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो होगा। इसका ये नहीं है कि अगर भारत नहीं आएगा तो हाइब्रिड मॉडल पे भारत के मैचेस या फिर श्रीलंका या फिर यूएई में कराए जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो होगा। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हालत देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये इसीलिए हो गया है ना कि पाकिस्तान में ना बहुत टाइम से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं चल रहे थे, कोई बड़ी बड़ी टीम वहाँ जाने को रेडी नहीं थी। तो इसी वजह से ना पाकिस्तान के सारे स्टेडियम की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब सी नजर आ रही है। तो इसीलिए ना पाकिस्तान के खुद ही वहाँ के जो पीसीबी वाले हैं वही नहीं कह पा रहे, क्योंकि उनका पैसे की इतनी कमी है कि वो स्टेडियम में लगाए या ऑर्गेनाइज करे बहुत चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने मेजबानी तो ले ली, ICC ने मेजबानी तो दे दिया पाकिस्तान को, लेकिन ICC भी अब पछता रहा होगा पाकिस्तान को मेजबानी देके, और पाकिस्तानी भी लेके पछता रहा होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सही तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या अभी भी बहुत चीज़ें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी? दोस्तों अच्छा लगा हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।